शाहरुख ने 4 साल बाद पठान से धमाकेदार वापसी की और पूरी दुनिया को हैरान करते हुए सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बम्पर ओपनिंग की है। पठान की इस धमाकेदार ओपनिंग पर पाकिस्तानी मीडिया में भी खासी हलचल है। ट्रेड एनालिस्ट के हिसाब से पठान ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ की कमाई अब तक कर ली है। पाकिस्तानी मीडिया पठान की सक्सेस से बेहद खुश है। पाकिस्तान की अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट द ट्रिब्यून ने पठान के बारे में लिखा है, एसआरके की पठान ने 50 करोड़ की जबरदस्त ओपनिंग करते हुए धुर हिंदू दक्षिण पंथियों और अपनी पिछली फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। यही वेबसाइट आगे लिखती है कि शाहरुख ने स्पाई थ्रिलर हिंदी फिल्म पठान कुछ धार्मिक समूहों के विरोध के बावजूद जबरदस्त ओपनिंग की। नॉन हॉलीडे मिड वीक डे पर रिलीज हुई फिल्म ने जब दर्शक थिएटर नहीं जाते फिर भी भारतीय सिनेमा हॉल खचाखच भरे हुए थे। लगातार पाकिस्तानी मीडिया ने पठान को लेकर तारीफों के पुल बांधे हैं। पठान की सफलता भारतीय फिल्म उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोविड महामारी के बाद बॉलीवुड में कई हाई प्रोफाइल फिल्मों ने फ्लॉप का दौर देखा। वहीं पाकिस्तान की एक और अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट जियो लिखती है कि पठान ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी, पहले दिन ताबड़तोड़ कमाई। शाहरुख खान की पठान ने पहले दिन शो में बड़ी कमाई की, नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। पाकिस्तान की प्रमुख अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट डॉन ने हेडिंग दी है, किंग खान होने के मायने, शाहरुख खान की पठान ने हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज की है। यही वेबसाइट आगे लिखती है कि विरोध प्रदर्शनों और हिंसा की धमकियों के बावजूद शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान ने इतिहास रच दिया है। पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग। एसआरके 4 साल बाद लौटे हैं और उनके प्रशंसक खुले दिल से उनका स्वागत कर रहे हैं। पाकिस्तान न्यूज चैनल न्यूज इंटरनेशनल ने पठान को लेकर के हेडिंग दी, शाहरुख खान की पठान सिनेमा घरों में दर्शकों से खचाखच भरी हुई है। द न्यूज इंटरनेशनल ने लिखा, कुछ धार्मिक समूहों द्वारा अश्लील माने जाने वाले दृश्यों को लेकर विरोध के बावजूद शाहरुख की हिंदी स्पाई थ्रिलर पठान ने भारतीय सिनेमा घरों में खचाखच शुरुआत की है। बुधवार को रिलीज हुई पठान बॉलीवुड की शीर्ष ओपनिंग फिल्म बन गई है। पठान को लेकर गल्फ देशों में भी खूब चर्चा है। गल्फ न्यूज ने हेडिंग दी है, शाहरुख खान, जॉन इब्राहिम और दीपिका की स्टारडम वापसी। गल्फ न्यूज ने शाहरुख खान को बॉलीवुड का आइडल बताते हुए लिखा है कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण अंतिम कुछ सुपरस्टार्स हैं जो स्वैग और बेखौफ स्टंट के साथ फिल्म को आला दर्जे का बनाते हैं। ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक पठान ने पहले दिन में 54 करोड़ की कमाई की। ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो ये 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ा ओपनिंग कलेक्शन का रिकॉर्ड KGF के नाम दर्ज था। पठान ने इसे तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बना दिया है।